देखो आज हम पढ़ेंगे तिल। कल अपने मूंगफली पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे तिल। तिल का वानस्पतिक नाम की बात है, बॉटनिकल नेम की। तो वानस्पतिक नाम है इसका सीसेमम इंडिकम। वानस्पतिक नाम क्या हो गया? सीसेमम इंडिकम। अब बात करें अपन फेमेली, देखो फेमेली की अगर बात करें अपन, तो फेमेली होती है इसकी पेडिलियेसी। कौन सी हुई? पेडिलियेसी हुई। फूल हो गया, फूल के बाद में हम बात करें ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान। देखो उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान है इसका अफ्रीका। कुछ विद्वान अफ्रीका मानते हैं और कुछ विद्वान भारत मानते हैं, लेकिन अपन को कौन सा याद रखना है? अफ्रीका याद रखना है। अब बात करें इसमें, देखो विश्व में उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे, उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे तो भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, अब बात करें अपन भारत में, तो भारत में किसका है प्रथम स्थान? राजस्थान का है। प्रथम स्थान भारत में किसका हो गया? राजस्थान का। अब बात करें अपन राजस्थान में, तो राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? पाली। प्रथम स्थान किसका है? पाली का है। ठीक है, अब बात करें इसमें ओए तेल की मात्रा की बात करें अपन, तो तेल की मात्रा होती है इसमें 50%। कितनी होती है? 50%। अब बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन होती है इसमें 18 से 20%। कितनी होती है? 18 से 20%। इसके बाद में अपन बात करें, देखो तो इसमें सीसेमोल नामक, सीसेमोल नामक क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे लंबे समय तक क्या करते हैं? परिरक्षित कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक ये खराब नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें क्लाइमेट की, तो जलवायु की बात करें, तो जलवायु देखो इसमें, देखो जलवायु की बात करें, क्लाइमेट, क्लाइमेट की अगर बात करें अपन, तो जलवायु गर्म जलवायु का होता है, गर्म या आप जिसे बोल सकते हैं उष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। अब बात करें टेम्परेचर की, तापमान की अगर बात करें अपन, तो तापमान इसके लिए होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना हो गया? 21 से 27 डिग्री। अब बात करें वार्षिक वर्षा की, क्वेश्चन पूछा जाता है वार्षिक वर्षा कितनी होती है तिल की, तो तिल की वार्षिक वर्षा होती है 500 से 600 mm। एमएम में पूछे तो 500 से 600, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो कितने की? 50 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करें इसके बाद में सोयल, मृदा की, मृदा की बात करें तो सभी फसलों के लिए बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। बलुई दोमट मृदा क्या होगी? उपयुक्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी? वो अधिक होती है, और पोषक तत्व भी क्या पाए जाते हैं इसमें? अधिक पाए जाते हैं। अब बात करें पीएच मान की, तो पीएच मान होता है इसमें कितना? 6 से 8। पीएच मान कितना उपयुक्त रहता है? 6 से 8। ठीक है, पीएच मान के बाद में अपन बात करें तो वेराइटी, किस्मों की बात करें तो किस्में है, एक तो आरटी 25 आरटी 27, ठीक है, आरटी 125 आरटी 127। इसके बाद एक प्रगति, एक आती है प्रताप, प्रताप का दूसरा नाम हो गया सी 50। अब देखो क्वेश्चन क्या फुटअप होता है, इंपोर्टेंट वेराइटी है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्रताप या सी 50 किस्म है, कौन सी फसल की किस्म है, तो कौन सी फसल की किस्म है? तिल की है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें बीजोपचार, बीजोपचार देखो बीजोपचार की अगर बात करें तो इसमें बीजोपचार करते हैं तो केप्टान से, केप्टान से और थाइरम से। केप्टान और थाइरम से क्या करना है? बीजोपचार करना है। अब मात्रा ले गए तो 2 ग्राम मात्रा लेनी है इसकी, केप्टान और थाइरम की कितनी मात्रा लेनी है? 2 ग्राम। और कितने के जी बीज के लिए? 1 kg बीज के लिए, 1 kg बीज के लिए क्या करनी है? 2 ग्राम केप्टान और थाइरम की मात्रा लेनी है। ठीक है, केप्टान और थाइरम पाउडर जैसा था जो बीजों को क्या करना है? अपन को बीजोपचारित करना है। इसके बाद में अपन बात करें, अब देखो बात करेंगे अपन बीजोपचार की, हुआ बीजोपचार की बात में बात करें अपन बुआई का समय, बुआई का समय वह विधि, देखो बुआई का समय गर्म जलवायु का पौधा है तो बुआई का पेड़ नहीं है, बट वो 15 जून से
15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई रह करनी है इसकी बुआई। अगर अपन देरी से बुआई करते हैं, अगर 15 जुलाई के बाद में अपन बुआई करेंगे तो उपज क्या होगी, कम प्राप्त होगी, उपज कम प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें विधि, तो कतारों में बुआई करते हैं, कतारों में वह छिड़काव विधि से, क्योंकि दाना क्या है इसका ज्यादा मोटा नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, या तो कतारों में करेंगे या फिर छिड़काव विधि से करेंगे। अब बात करें एल इंटू पी, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, तो लाइन से लाइन की दूरी तो रखते हैं 30 और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 10 सेंटीमीटर, तो एल इंटू पी कितनी होगी 30 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में बात करें बड़े बीज की गहराई, बीज की गहराई की बात करें अपन, तो बीज की गहराई मर्दा में रखते हैं इसकी 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, कितने रखते हैं 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर बीज की गहराई भी होगी। अब बात करें अपन बुआई का समय हो गया, अब बात करें खेत की तैयारी, खेत की तैयारी, तो देखो खेत की तैयारी की बात करें अपन, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 सप्ताह पूर्व, 4 सप्ताह पूर्व क्या करेंगे अपन, खेत के अंदर FOM डाल देंगे, गोबर की खाद डाल देंगे, डालने के बाद में क्या करेंगे, पहली जुताई करते हैं मिट्टी पर रखने वाले हल से, ठीक है। फिर बाद में 2 से 3 जुताई, गहरी जुताई करनी हो इसे देसी हल या फिर कल्टीवेटर से, 2 से 3 जुताई करनी है जैसे लिया कल्टीवेटर से करते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, खेत को समतल करने के लिए पाटा लगा देंगे, पाटा लगाकर मटा को क्या कर देंगे, भुरभुरी बना देंगे। खेत की तैयारी हो गई, खेत की तैयारी के बाद में देखो अगर इसमें दीमक का प्रकोप हो, किसका प्रकोप, दीमक का, तो क्या करेंगे अपन, कार्बोफ्यूरोन क्या कर देंगे, खेत के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब बात करें अपन खेत की तैयारी हो गई, खेत की तैयारी के बाद में अपन बात करेंगे बीज दर की, अपन खेत की तैयारी के लिए अब क्या करेंगे, बीज दर लेंगे, तो बीज दर में देखो सीड रेट की अगर बात करें अपन, तो 3 से 4 केजी क्या लेना है अपन को, तिल लेना है, तिल के दाने 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर हुई। अब बीज दर के बाद बीजोपचार बता दिया हमने, बीजोपचार के बाद में देखो सिंचाई की अगर बात करें अपन, तो सिंचाई पहली सिंचाई करते हो कब, फूल आते समय क्या करनी है, पहली सिंचाई करनी है, ठीक है। अगर दूसरी सिंचाई की बात करें तो फली बनते समय दूसरी सिंचाई कर दी। अब देखो बात करें अपन इसकी फली को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है मूंगफली मान लो या तिलहनी फसलों की फली को क्या कहते हैं, तो फली को कहते हैं पोड, क्या कहते हैं पोड, ठीक है। सिंचाई के बाद में अपन बात करें खरपतवार की बात करें, तो खरपतवार इसमें मुख्य नहीं होता, तो खरपतवार मुख्य नहीं होगा तो कौन सा होगा, जंगली चौड़ाई वह दूबघास, जंगली चौड़ाई और दूबघास क्या हुआ है इसका खरपतवार, तो इसका नियंत्रण कंट्रोल की अगर बात करें, कंट्रोल की बात करें तो किसका छिड़काव करना है, फ्लू क्लोरीन लेना है, कितनी मात्रा 0.75% लेनी है, और कितने लीटर पानी के अंदर, प्रति लीटर 1 लीटर पानी में कितनी लेनी है 0.75, बात करें तो 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम, ठीक है। अब बात करें देखो कोई भी कीटनाशी हो, खरपतवार नाशी हो या फिर कवकनाशी, तो 1 हेक्टेयर में कितने जल की आवश्यकता होती है, कवकनाशी का प्रयोग करते समय 2000 लीटर पानी की क्या होगी आवश्यकता होगी, 1 हेक्टेयर में लीटर पानी की आवश्यकता होगी 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। खरपतवार के बाद में अपन बात करें खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक की बात करें अपन, तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे FOM, FOM कितना लेंगे 10 से 15 टन
प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना लेना है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में हम आते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसमें लेते हैं 40 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की बात करें तो 60 केजी प्रति हेक्टेयर, और पोटास की बात करें अपन तो 30 केजी प्रति हेक्टेयर मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब बात करें अफवाह बताया था मैंने, तो कब करेंगे वैसे पूर्व प्रयोग करते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को दो भागों में देते हैं, कितने भागों में, दो भागों में, मतलब 40 केजी ले ली तो 20 केजी तो करेंगे अपन को बुआई के समय देनी है, और बाकी शेष 20 केजी कब देनी है फूल आते समय। अब बात करें फास्फोरस और पोटास की, तो फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा को कब देते हैं बुआई के समय देते हैं, कब देते हैं बुआई के समय। कार्य और पूरक हो गया, इसके बाद में अपन बात करें पीट पर रोग की, देखो पीट पर रोग पहले बात करेंगे अपन रोग की, रोग देखो इसमें वही रहेगा पत्ती दबा, दूसरा तना गलन या फिर इसे बोल सकते हैं जड़ गलन, तीसरा रोग की बात करें अपन तो तीसरा रोग कौन सा हो गया है झुलसा रोग। अब इन तीनों के नियंत्रण की बात करें अपन तो इनका कंट्रोल किससे करना है, कंट्रोल तो कंट्रोल की बात करें तो मेनकोजेब से, मेनकोजेब का क्या करना है खेत के अंदर छिड़काव है, या फिर कर सकते हैं अपन डाई मिथोएट का छिड़काव करें, ठीक है। चौथा रोग आता है फाइलोडी रोग। अब देखो फाइलोडी रोग ये किसके द्वारा फैलता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, कवक के द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा होता है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। फाइलोडी रोग में क्या होते हैं पौधे की पत्तियां वो क्या हो जाएगी झुलस कर नष्ट हो जाएगी और दाने नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसका नियंत्रण की बात करें अपन, कंट्रोल की अगर बात करें, कंट्रोल की बात करें तो किसका छिड़काव होना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का क्या करना है छिड़काव करना है, ठीक है। अब बात करें अपन कीट की, तो कीट इसमें लगता है तनाछेद दीमक सफेद मक्खी, ठीक है, एक लगता है भाई। अब बात करें कि कंट्रोल की, कंट्रोल किससे करना है पेराथियन का क्या कर दो छिड़काव कर दो, ठीक है, पेराथियन का छिड़काव कर दिया या फिर कार्बोफ्लोरोन का छिड़काव कर दो। कीट नियंत्रण हो गया, कीट नियंत्रण के बाद में अपन बात करें कटाई की, तो देखो कटाई को करते हैं इसकी, कटाई की बात करें अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाए, खेत में 75% पौधों की पत्तियां क्या हो जाए पीली पड़ जाए, तब क्या करनी है इसकी कटाई करनी है। बात करें अपन कटाई का समय, तो कटाई का समय हो गया अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, ठीक है। कटाई हो गई, कटाई के बाद में हम बात करें उपज, तो देखो उपज, अब देखो उपज, उपज की बात करें तो उपज प्राप्त होगी 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन केंद्र में कितनी उपज प्राप्त होगी 6 से 8 क्विंटल। इसके बाद में बात करें अपन भंडारण की, लास्ट टॉपिक है भंडारण। अब कटाई में भी उपज भी प्राप्त होगी, उपज प्राप्त भंडारण की बात करें तो अगर दानों में 6 से 8% नमी हो, कितनी नमी होनी चाहिए 6 से 8%, तब क्या करना है इसमें दानों का भंडारण करना है, ठीक है। तो तिला के फसलों में अगर नमी की बात करें दानों में तो कितनी रखी जाती है 6 से 8% नमी रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।